सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो मनी मंत्रा। क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आज मनी टोकन के बारे में कि मनी टोकन ने अपना आईसीओ जो किया था और जो एयरड्रॉप जो उन्होंने किया था उसका डिस्ट्रीब्यूशन टोकन का उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि medium.com पर इन्होंने पूरा अपडेट दिया है कि यहाँ पर कैसे मनी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन्होंने अपलोड भी किया था वीडियो YouTube पे और उसका लिंक यहाँ पर देकर इन्होंने यहाँ पर आप वीडियो भी देख सकते हैं वो वाला, और पूरी इन्फॉर्मेशन जिसमें दी गई है वीडियो में पूरे मनी टोकन के बारे में। और उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि मनी टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने कि ऑल यूजर अकाउंट फ्रॉम tge.moneytoken.com वर इम्पोर्टेड टू लैंडिंग प्लेटफॉर्म एट account.moneytoken.com। मतलब कि जो moneytoken.com पे जो पूरा इनका जितने भी अकाउंट्स क्रिएट हुए थे वो सारे के सारे अकाउंट account.moneytoken.com पर आ चुके हैं। तो आपको सिंपल करना ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको जाके पहले tge.moneytoken.com पे जाके एक बारी साइन इन करना है, और यहाँ पर साइन इन करने के बाद आपको करना ये है कि account.moneytoken.com पे जाके दोबारा साइन इन करना है। आप account.moneytoken.com पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर करेंगे साइन इन। दोस्तों साइन इन करने के बाद आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा गूगल ऑथेंटिकेटर को अपडेट करने का, ताकि आप गूगल ऑथेंटिकेटर को ऑन कर सके अपने अकाउंट के लिए, अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। और उसके बाद आपको सेकंड स्टेप करना होगा कि ऐड करना होगा अपना मोबाइल नंबर, और जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर लेंगे उसके बाद तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको केवाईसी का, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है। तो वही चीज मैं आपको बता देता हूँ, केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके पास सबसे पहले ये सारे ऑप्शन आएंगे कि यहाँ पर आएगा फर्स्ट नेम, जहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है, और अपना घर का एड्रेस देना है। एड्रेस के अंदर जो एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे वो, मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको कि जो एड्रेस आप मेंशन करेंगे वो एड्रेस आपके आईडी प्रूफ में लिखा होना चाहिए, वही एड्रेस आपको यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर वही एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा वॉलेट एड्रेस का, वॉलेट एड्रेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BTC और ETH एड्रेस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि अगर आपको गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपको भविष्य में या फिर फ्यूचर में आपको कभी भी आपको ये अगर जरूरत पड़ती है मनी टोकन से लोन लेने की, जो इनका एक्चुअली मोटिव है, राइट, जो इनका कॉन्सेप्ट है पूरा, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर अपडेट करना है जिसमें आप लोन रिसीव करना चाहते हैं। मेरी एडवाइस आपको ये है कि जो भी माय ईथर वॉलेट का एड्रेस आपने पहले दिया था परचेज करते समय पर, वो ही चीज आपको यहाँ पर देनी है एड्रेस, तो वो दे दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है, ईमेल आईडी डालना है, सोर्स ऑफ फंड में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप सैलरीड है तो सैलरी लिखिएगा, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस लिखिएगा, जो भी आपका सोर्स ऑफ फंड है आपके पास, मतलब जो भी सोर्स ऑफ फंड पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं वो चीज के लिए, कहाँ से किस सोर्स ऑफ फंड से आपने परचेस किया मनी टोकन को, वो आपको यहाँ पे लिखते रहे। और उसके अलावा आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपको आईडी प्रूफ में जो एड्रेस लिखा होगा तो वही एड्रेस ऊपर लिखना था, और यही एड्रेस का जो आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है यहाँ पे, और यहाँ पर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे फ्रंट आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, जो फ्रंट साइड होगा वो, और बैक साइड का, ये दो चीजें आपको देने होंगे, और साथ में देने होंगे कंफर्मेशन फोटो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंफर्मेशन फोटो में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको आईडी प्रूफ के साथ साथ एक पेपर लेना है जिसपे लिखना है मनी टोकन, और मनी टोकन बहुत ही क्लियरली लिखा होना चाहिए, और आपको उन दोनों को एक ही हाथ पे पकड़ के अपनी सेल्फी क्लिक करनी है और यहाँ पर अपलोड करना है। आपको मैं फिर बता देता हूँ कि आपको एक ही हाथ में दोनों पेपर पकड़ने, आपका आईडी प्रूफ भी और साथ ही साथ वो पेपर भी, और आपको सेल्फी क्लिक करनी है, पेपर पे लिखा होना चाहिए मनी टोकन, और आईडी प्रूफ का फ्रंट साइड आपको होना चाहिए, और आपको ये फोटोग्राफ अपनी क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको करना होगा सेंड फॉर वेरिफिकेशन, जैसे सेंड फॉर वेरिफिकेशन करेंगे उसके कुछ समय के बाद वेरिफिकेशन पास या फिर अप्रूव या फिर फेल हो जाएगा, तो जैसे ही पास हो जाएगा उसके बाद आप अपने टोकन्स को क्लेम कर सकते हैं ERC20 वॉलेट के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको ये ERC20 वॉलेट में लेना होगा। जब आप सबसे ऊपर जाएंगे पेज में तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया बैलेंस का, बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे बैलेंस दिया गया टोकन्स का कि आपके पास क्रेडिट बैलेंस कितना है, कि आपने लोन कितना लिया है, क्रिप्टो बैलेंस आपका खुद का कितना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और सबसे नीचे आपको दे रखा है IMT बैलेंस, IMT बैलेंस में आपको दे रखा है जो भी बैलेंस यहाँ पर होगा वो आपको बैलेंस दिख जाएगा, मेरा बैलेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं,
और साथ ही साथ यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन है। तो अगर आपको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ के बटन पे आप क्लिक करेंगे। विड्रॉ के बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि टोटल आपके पास कितने टोकन जो यहाँ पे दिए हैं, विड्रॉ कितना करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको सारे के सारे विड्रॉ करने हैं तो जैसे मैं भी यहाँ पे लिखूंगा वैसे ही आपको वहाँ पे सारे के सारा जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको वॉलेट एड्रेस डालना है। वॉलेट एड्रेस में आप वही वॉलेट एड्रेस डालिएगा जो आपने परचेज करते टाइम वॉलेट एड्रेस माई इथर वॉलेट का जो वॉलेट एड्रेस दिया था वही वॉलेट एड्रेस यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल के यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिएगा और करिएगा क्रिएट ऑर्डर। वैसे ही उसके बाद आपके अकाउंट में कुछ समय के बाद माई इथर वॉलेट में IMT टोकन आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको देखना हो कि आपको कितने टोकन्स मिले हैं, जो कि आपने खरीदे थे वो कितने थे और जो एयर ड्रॉप था वो कितना आपको मिला है। तो यहाँ पर आप डिपॉजिट ऑर्डर में देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इतने टोकन यहाँ पे खरीदे थे और जो एयर ड्रॉप थे वो इतने टोकन मेरे को एयर ड्रॉप में मिले थे। तो इसी तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम पर, मेरा टेलीग्राम है जतिन डेमला, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए मनी टोकन के लिए तो मनी टोकन की मैंने आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर ईमेल लिखकर डेफिनेटली वहां से भी सपोर्ट पे ले बात कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा मनी टोकन को। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।